सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर नाइन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों तेईस अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है क्लास एट के बच्चों की सब्जेक्ट है साइंस स्टूडेंट्स नेम लिख लेंगे अपना टीचर्स टीचर्स का नेम लिख देंगे ठीक है स्टार्ट करते हैं वर्कशीट देर इज सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन इन आवर एटमोसफेयर विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल एटमोसफेयर में हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन सेवेंटी एट परसेंट है जो कि सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत आवश्यक है चाहे वो पौधे हों या एनिमल्स ठीक है जानवर हों आप देखिए नाइट्रोजन इज फाउंड इन प्रोटीन क्लोरोफिल न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिनस एटसेट्रा नाइट्रोजन में पाया जाता है प्रोटीन में क्लोरोफिल में न्यूक्लिक एसिड में और विटामिन आदि में ठीक है सेकेंड देखेंगे प्लांट्स एंड एनिमल कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमोसफेयर प्लांट चाहे पौधे हों या जानवर दोनों ही वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन को प्रयोग नहीं कर सकते प्लांट्स गेट नाइट्रोजन थिरो नाइट्रोजन फिक्सेशन पौधे नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा मीन नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं इसे उसके द्वारा नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं या लेते हैं अब हम पढ़ेंगे बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है इट इज अ प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट कन्वर्टेड और फिक्स्ड इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजेनस कंपाउंड दैट कैन बी यूज बाय द प्लांट्स ये एक प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है या फिर फिक्स्ड कर दिया जाता है मिट्टी में किसमें नाइट्रोजन के यौगिकों में जिसका पौधों के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है ओके okay, स्टूडेंट्स आप देखिए ए बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम इज़ फाउंड इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं जो फलीदार पौधे होते हैं फलीदार पौधों की जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम वो पाया जाता है विच हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन जो कि नाइट्रोजन के स्त्रीकरण में सहायता करता है समटाइम्स नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑकर्स एवन व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स कभी कभी नाइट्रोजन स्त्रीकरण जो होता है वो बिजली के कड़कने से भी होता है ठीक है अब देखिए टुडे वी विल ट्राई अंडरस्टैंड नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस बाय नाइट्रोजन साइकिल अब हम नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे फर्स्ट पॉइंट है बच्चों बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन दॉइल कन्वर्ट्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू नाइट्रोजनस कंपाउंड बैक्टीरिया और ब्लू नीले और हरे रंग के जो शैवाल होते हैं जो कि मिट्टी में उपस्थित होते हैं वो वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदलता है कन्वर्ट करता है ठीक है दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड कैरी टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम देम ये नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं ये जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं शोषित कर लिए जाते हैं और ये पौधों के दूसरे भागों में ले जाए जाते हैं जहाँ पर प्रोटीन और दूसरे जो कंपाउंड्स होते हैं यौगिक वो उससे बनते हैं ठीक है बच्चों अब देखिए वैन एनिमल और ह्यूमन ईट्स और कंज्यूम दीज प्लांट्स जब जानवर या मनुष्य इन पौधों का उपभोग करते हैं या उन्हें खाते हैं द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन रीचिज इन टू दैम तो नाइट्रोजन इस रूप में या प्रोटीन के रूप में उनके शरीर तक पहुंचती है द नाइट्रोजनस नाइट्रोजेनस कंपाउंड प्रेजेंट इन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके क्षय के कारण जो यौगिक में उपस्थित होते हैं इस कन्वर्टेड इनटू सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सोइल बाय एंड फंगी फंगी और बैक्टीरिया के द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिकों को सिंपल नाइट्रोजन के यौगिकों को बदला जाता है विच आर यूज बाय प्लांट्स जो कि पौधों द्वारा दोबारा से प्रयोग में लाए जाते हैं नेक्स्ट देखिए सम स्पेशल बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इंटू नाइट्रोजन गैस दैट गोज इंटू द एटमोस्फेयर कुछ जो स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं विशेष बैक्टीरिया वो क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में नाइट्रोजन में किसे नाइट्रोजन यौगिक को और वो वायुमंडल में चला जाता है इन दिस वे अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर इज ऑलमोस्ट कंस्टेंट इस प्रकार पर्यावरण में नाइट्रोजन की जो मात्रा है हमेशा स्थिर रहती है ठीक है अब देखिए ये नाइट्रोजन साइकिल दिखा हुआ है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है वर्कशीट में भी ये ठीक है ये नाइट्रोजन साइकिल का पूरा प्रोसेस दिखा हुआ है अब देखिए बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये हमें क्वेश्चन लिखने हैं फर्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ बीन्स एंड पीज कौन से बैक्टीरिया बीन्स की सेम की और मटर की ये कौन से हो गए लेग्यूमिनस प्लांट फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं तो आंसर वन में हम लिख देंगे राइजोबियम ठीक है अब क्वेश्चन नंबर टू में पूछा हुआ है वट आर डिफरेंट मैथड्स बाय विच नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक प्लेस कौन से विभिन्न मेथड बताइए विभिन्न तरीके बताइए जिसके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण वो होता है कौन से तरीकों से होता है आप देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन हेडिंग डली हुई वर्कशीट में ही आपको यहीं से लिखना है आप पूरा लिख देंगे यहाँ तक लाइटनिंग स्ट्राइक्स तक आप लिखेंगे इट इज ए प्रोसेस इन विच एटमोस्फेयरिक नाइट्रोजन गेट कन्वर्टेड और फिक्सड इन द सॉइल ये एक प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है या फिक्स हो जाती है सॉइल में मिट्टी में इनटू नाइट्रोजस कंपाउंड दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स मिट्टी में किस रूप में नाइट्रोजन यौगिक के रूप में जो कि पौधों के द्वारा प्रयोग की जाती है फर्स्ट लाइन में लिखेंगे ए बैक्टीरिया काइल ड्राइजोबियम इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट एक बैक्टीरिया होता है जिसे राइजोबियम कहा जाता है वो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है विच हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन जो कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है समटाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑकर्स एवन वेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स कभी कभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वो बिजली के कड़कने से भी होता है ठीक है अब देखिए ये आपको इतना कर लेना आंसर नंबर टू में अब आंसर थ्री देख लेते हैं बच्चों अब आंसर थ्री देख लेते हैं वाइज नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर है ये हम थ्री नहीं है ये यह हम यहाँ पर वन नहीं है सॉरी थ्री है ये आंसर थ्री इसमें क्या लिखेंगे नाइट्रोजन इस फाउंड इन ए प्रोटीन क्लोरोफिल न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन एटसेट्रा सो नाइट्रोजन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स तो इसका मतलब क्या हो गया नाइट्रोजन जो है पाया जाता है किसमें प्रोटीन में क्लोरोफिल में न्यूक्लिक एसिड में, में और विटामिन्स में आदि ठीक है सो so इसलिए नाइट्रोजन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स इसलिए सभी जीवित प्राणियों के लिए ठीक है नेसेसरी है नाइट्रोजन आवश्यक है अब देखिए बच्चों क्वेश्चन फोर में क्या करना है आपको हॉट इज़ द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन कंस्टेंट हाउ डज द नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो एटमोसफेयर में कंस्टेंट कैसे रहता है तो इसका हम कर लेंगे कैसे वर्कशीट में ही दिया हुआ है इसका कंस्टेंट कैसे रहता है नाइट्रोजन का अमाउंट देखिए ये लास्ट लाइन है बच्चों आप यहाँ से लिखेंगे आंसर नंबर फोर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक है और देखिए इसमें लिख देंगे आप सम स्पेशल बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन गैस दैट गोज इनटू द एटमॉस्फेयर कुछ स्पेशल बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस में सॉरी नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं वो उसे नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं दैट गोज इन टू द एटमोसफेयर जो कि वायुमंडल में चली जाती है इन दिस वे द अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट इस तरीके से नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो वायुमंडल में हमेशा स्थिर रहती है यही पूछा हुआ है ना हमसे ठीक है आंसर फोर हो गया आपका वर्कशीट के लास्ट में जो पॉइंट्स दिया हुआ है ठीक है तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग